नमस्ते आप सब श्रोताओं को। और आज का आपका 177वें दिन का ईश्वरीय वरदान। इस वरदान में आगे जाने से पहले हम इस लिंक को देखेंगे जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, योग आसन, सोने की कला और साथ साथ डाइट, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज का वरदान बहुत महत्वपूर्ण वरदान है। आगे बढ़ते हैं इस वरदान में। इस वरदान में परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हम कैसे समय के ऊपर हर चीज़ को छोड़ देते हैं। जब समय होगा तो हो जाएगा, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर मैं कर लूँगा या कर लूँगी, या समय ठीक नहीं चल रहा अभी, समय पर ही सारी चीज़ें होती हैं, या हम कहते हैं कि समय अभी आया नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि समय तो हमारी रचना है, हम या तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं या वो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो जानेंगे इस वरदान में ये कैसे पॉसिबल है कि हम को समय कंट्रोल कर सकता है। तो बाबा कहते हैं इस वरदान में, अपनी संपूर्णता के आधार पर, मतलब कंप्लीट हमारे अंदर सारी जो क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, वो अगर आ जाएं तो समय ऑटोमेटिकली बच जाता है और समय पे हर चीज़ होनी शुरू होती है। के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। परमात्मा हमें मास्टर रचयिता, गॉड फादर कहें, समय की भी रचना है। परमात्मा ने समय की रचना करी और परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हम कैसे उनके बच्चे होने के कारण हम भी समय को कंट्रोल कर सकते हैं। तो परमात्मा सिखाते हैं कि समय आपकी रचना है। जब हम आत्माएं परम धाम छोड़कर के धरती पर आती हैं तो हम समय में प्रवेश करती हैं और समय अनुसार हम हर कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि आप चाहते हैं कि कोई कार्य आपको जल्दी हो, लेकिन आपके मन के अंदर उलझन बहुत ज़्यादा है। आप क्यों, क्या, कैसे में फंसे हुए हैं, या आप किसी और की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं अपनी तरफ फोकस करने की जगह, या आप कंप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं, या आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में कितनी ऊर्जा और कितना समय वेस्ट होता है। परमात्मा कहते हैं रास्ता सीधा एक ही है, लेकिन हम ही उल्टे रास्ते लेकर के अपने समय को और ही और ज़्यादा हम लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है, लेकिन गुणों को अपनाने वाली बात है। आगे और विस्तार में चलेंगे। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। कोई अगर कोई क्रिएशन करता है, ये मोबाइल फ़ोन भी तो एक क्रिएशन है। आप सोचिए ज़रा, ये मोबाइल फ़ोन अगर आपको कंट्रोल करने लगे, वैसे काफ़ी सारी आत्माओं को तो कंट्रोल कर ही रहा है, ये मोबाइल फ़ोन ही कंट्रोल कर रहा है, यही मोबाइल फ़ोन समय हमारा छीन रहा है हमसे। तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से अगर एक मनुष्य आत्मा अगर मोबाइल फ़ोन उसको कंट्रोल करना शुरू कर दे, जबकि मनुष्य आत्मा को मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल करना चाहिए, तो फिर उसका असर उल्टा पड़ता है और समय हमारे अनुसार नहीं चलता और समय हमें कंट्रोल कर रहा होता है। हम चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, चीज़ों को हम आस्ते आस्ते आगे 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 और बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कभी कर लेंगे, करते रहते हैं, जिस कारण से हमारा समय ही बर्बाद होता है। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि परमात्मा मेरी ज़िंदगी ऐसे बनाई है, मेरे आजू बाजू जो रहने वाले लोग हैं उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को रोको, ये सारी चीज़ों को बंद करो और अटेंशन में लाओ अपने ऊपर कि कौन रचयिता है और कौन रचना है, किसने क्रिएट किया समय को। फिर बाबा कहते हैं इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। कि अगर हम ये सोचें कि मेडिटेशन अपने आप से कभी ना कभी होनी शुरू हो जाएगी, कभी मन करेगा तो परमात्मा से मन जुड़ जाएगा, मेरा जब समय आएगा तब हो जाएगा, या अभी समय ठीक नहीं चल रहा है मेरा, पहले अपने मैं सारे संसार की चीज़ें कर लूँ, पहले कि मैं कमाई कर लूँ, पहले मैं अपने आप को देख लूँ, पहले अपने शरीर को ठीक कर लूँ मैं, उसके बाद में मेरी मेडिटेशन होगी। परमात्मा कहते हैं समय आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको समय को आगे बढ़ाना है। आप जब संकल्प करते हो तब जाकर के समय उसके अनुसार परिवर्तन होता है। अगर आप संकल्प ही क्रिएट ना करो, रचना ना करो, और वो संकल्प में अगर शक्ति ना हो जो आप रचना कर रहे हो संकल्प में, जैसे कि देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, समय आएगा तो सब चीज़ हो जाती है, या समय राइट होगा तो हो जाएगा, अभी समय ठीक नहीं है, परमात्मा कहते हैं कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, आप समय के अनुसार चल रहे हो कि समय आपके अनुसार चल रहा है, सोचने वाली बात है। फिर बाबा कहते हैं आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति हो, फॉर एग्जाम्पल, और हम देखें कि हम सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक को हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं करता, वो अच्छे से नहीं करता काम, ये साफ काम करे, ये अच्छे से टाइम पर उठे, या ये अच्छे से वो काम करे, ये अच्छे से एक्सरसाइज करे, या ये करे, परमात्मा कहते हैं सब चीज़ों को आप चेंज करने की कोशिश मत करो, आप अपने आजू बाजू परिवर्तन लाने की कोशिश मत करो, आप अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करो। आप जब परिवर्तन होगे तो समय परिवर्तन होगा,
क्योंकि आपको देख करके, आपके गुणों को देख करके, आपकी शक्तियों को देख करके परिवर्तन आता ही है, किसी न किसी दिन वो आता ही आता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम किसी को कंट्रोल करके या सिचुएशंस को चेंज करके हम समय को परिवर्तन करते हैं, परमात्मा कहते हैं वो नहीं कर सकते। हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम क्रोध नहीं कर सकते, हम अहंकार नहीं कर सकते, हम ईर्ष्या नहीं दिखा सकते ताकि वो चीज़ें चेंज हो जाए हमारे अनुसार। परमात्मा चाहते हैं कि हम गुणों के अनुसार चीज़ों को परिवर्तन करें। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वाइब्रेशंस के द्वारा हो रहा है, और अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपके घर में भी शांति आ जाएगी, आपके घर में भी सारी चीज़ें सीधी चलनी शुरू हो जाएंगी, अगर हम अपने आप को सीधा कर लें। मतलब संपूर्ण मतलब सीधा बना देना। हम अभी काफ़ी टेढ़े हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, और फिर हम वो अच्छा समझते हुए हम औरों के अंदर अवगुण देखना शुरू करते हैं, औरों की कमी कमजोरियाँ देखते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन भर। या किसी कमी कमजोरी को देखा तो उसके बारे में सोचा, उसके बारे में औरों को भी बताया। ये सारी चीज़ें ही तो हैं जो कि समय हमसे छीन लेता है, हमारा अमूल्य समय। तो परमात्मा कहते हैं कि उसको छीनने मत दो, अपने अवगुणों को मत बढ़ाओ, अपने गुणों को बढ़ाओ। जब गुण बढ़ेंगे, सबके अंदर गुण होंगे, तब जाके हर चीज़ फटाफट टक 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 होनी शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि कैसे किसी के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, अहंकार नहीं आ रहा है, उसमें समय व्यर्थ नहीं जा रहा है हमारा। तो परमात्मा कहते हैं समय तभी व्यर्थ जाता है जब हम अवगुण को यूज़ करते हैं, जब हम क्रोध को यूज़ करते हैं, अहंकार को यूज़ करते हैं। एक ही बात होती है, बहुत जल्दी से वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण, घृणा के कारण उस चीज़ को खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, खींच जाते हैं, चाहे वो बात हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो। परमात्मा कहते हैं संपूर्ण बनो तो समय भी आपके काबू में आ जाएगा, मतलब कि आप हर चीज़ को राइट टाइम पे कर पाएंगे। तू तो मैं नहीं होगी, बहस नहीं होगी, बहसबाजी नहीं होगी, व्यर्थ समय नहीं वेस्ट होगा। फिर बाबा क्या कहते हैं, देखें, वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है जिसको कहते हैं परिस्थिति, किसी और के कारण कोई भी अगर सिचुएशन बन जाती है, घर में आ जाती है, चाहे वो धन की हो, चाहे वो तन की हो, चाहे संबंधों की हो, वो आएगी और चली जाएगी। लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। ये नहीं कि हम अहंकार में बैठे हुए हैं कि वो पहले चेंज करे तो मैं चेंज हूँ, वो पहले मेरे से अच्छे से बात करे तो मैं बात करूँ, वो पहले मीठा बने तो मैं मीठा बनूँ, वो पहले आकर के सॉरी बोले तो मैं सॉरी बोलूँ, वो आकर के पहले माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ी मांगूँ। परमात्मा कहते हैं ऐसे मत करो, समय आपको कंट्रोल कर रहा है। फिर से आप अपने आप को परिवर्तन करो, और समय को परिवर्तन कर सकते हो आप, सिचुएशन को परिवर्तन कर सकते हो आप। तो परमात्मा कहते हैं कि परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। कौन सी शक्ति? सहन करने की शक्ति हो सकती है, सामना करने की शक्ति हो सकती है, सामना अपने अंदर की कमजोरियों को, औरों को सामना नहीं करना। परमात्मा कहते हैं ये सब अपने अंदर का परिवर्तन है, तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। माना कि हम वेट कर रहे हैं कि कोई चेंज हो तो हम चेंज हों, तो परमात्मा कहते हैं कि वो तो आप औरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, औरों ने अपने आप को परिवर्तन किया तो आप परिवर्तन हुए, तो फायदा किसको हुआ? किसी और ने परिवर्तन कर लिया तो प्राप्ति किसको हुई? उस व्यक्ति को प्राप्ति हुई, आपको प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आप तो वेट करते रह गए किसी चीज़ को चेंज होने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर प्राप्ति चाहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो औरों के लिए वेट मत करो, अपने आप को परिवर्तन करो, तो समय खुद ही परिवर्तन हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हम इससे अपने जीवन में आलस्य, अलबेलापन, पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को, आलस्य दिखाते रहते हैं, हम औरों के ऊपर डाल देते हैं कि उसके कारण मेरा काम नहीं हो पा रहा, ये वो चेंज हो तो मैं चेंज हूँ। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी हम जाकर के संपूर्ण बन करके समय को परिवर्तन कर पाएंगे। तो आज का आपको ये ईश्वरीय वरदान, आप बहुत गहराई से सोचिएगा इस चीज़ के बारे में जो परमात्मा ने कहा है, और बहुत सारे पहलू हैं जो आप भी कह सकते हैं, लेकिन इस सीमित समय में कुछ ही पहलुओं को हमने टच किया है। तो आज का ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।